नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है जमानिया से। स्थानीय क्षेत्र के गायघाट गांव स्थित गाटा संख्या 61 पोखरी की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को गुरुवार को उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में हटा दिया गया। सनद रहे कि उच्च न्यायालय के आदेश पर क्षेत्र के गायघाट निवासी तेज बहादुर सिंह पुत्र उमा शंकर सिंह, मनोज यादव पुत्र रामकृत यादव, गंगा गुप्ता पुत्र रामदुलार गुप्ता द्वारा गाटा संख्या 61 ख पर अवैध ढंग से अतिक्रमण पाया, जिसको हटाने के लिए तहसील को निर्देशित किया गया था। न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण को उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार आलोक कुमार, नायब तहसीलदार राकेश कनौजिया तथा राजस्व टीम के अलावा पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीन के सहयोग से हटाया गया। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गायघाट गांव स्थित गाटा संख्या 61 ख पर अवैध ढंग से की गई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। लक्षाग्रह ग्राम प्रधान छवि त्रिवेदी की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ग्राम प्रधान छवि त्रिवेदी की तरफ से अपील है कि पर्यावरण बचाए रखने के लिए हर घर में वृक्ष लगाएं एवं गांव को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।